हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको कराने जा रहा हूँ। ये चैप्टर हम 2-3 वीडियोस में पूरा करेंगे, ये लेंथी चैप्टर है तो एक वीडियो में सारा पूरा नहीं आएगा, ठीक है? और फिर आपको टॉपिक ढूंढने में मुश्किल होगी, तो मैं आपको इसको पार्ट वाइज कराता जाऊँगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर सम फाइनेंस। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश बिजनेस, टू रन एंड टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपैंड इट और टू डाइवर्सिफाई इट। फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड एज पर रिक्वायरमेंट, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के फॉर्म में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। सिमिलरली द फाइनेंस सो प्रोक्योर नीडेड टू बी इन्वेस्टेड इन ए मैनर दैट द रिटर्न्स from the investment exceeds the costs at which procurement has taken place. Financial management aims at reducing the cost of funds procured, keeping the risk under control and achieving effective deployment of such funds. It also aims at ensuring availability of enough funds whenever required एज वेल एज अवॉइडिंग द फाइनेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस कैन बी डिटरमिंड, ठीक है? उसको कैन बी डिटरमिंड किया जा सकता है ना, कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, ठीक है गाइज? उसके बाद है द ऑप्टिमम ऑफ द क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड इट्स ब्रेकअप इन टू कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। करंट एसेट्स का कितना हिस्सा आपको कैश, इन्वेंट्री या रिसीवेबल में रखना है। रिसीवेबल मतलब डेटर्स, समझ गए ना आप, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज, कितने यूज करने हैं। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट और इक्विटी, डेट और इक्विटी में कितना पैसा होना चाहिए। ऑल आइटम्स इन द P&L अकाउंट के खर्चे कितने कैसे होने चाहिए, कितना तक होना चाहिए ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर, रिफ्लेक्टेड टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है जी? और फाइनेंशियल डिसीजंस मेजर और माइनर, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव that guides the decision maker is the some value addition should take place. और उसके बाद क्या guys? Financing decisions. Decision कौन से होते हैं financing के? तीन major decision होते हैं, एक investment, दूसरा financing और तीसरा dividend. इस वीडियो में अभी हम सिर्फ यही करेंगे, बाकी दो मैं आपको next videos में कराऊंगा. Investment decision क्या है? Investment decision can be short term as well as long run. A long run investment decision is called capital budgeting decision also. In investment decision, firm has to choose where to invest so that they are able to earn the highest possible return for their investment. Capital budgeting decision in particular are very crucial decision because it requires a huge investment, irreversible decision होते हैं और risky भी होते हैं, ठीक है guys? तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। A short term investment decisions are concerned with the decision about the level of cash, inventory and receivables. These decisions affect the liquidity as well as profitability of the business. Investment decision kaun kaun se hain? Capital budgeting decision aur short term investment decisions. To hum capital budgeting decision ke wo factors ki baat karenge abhi, jo affect karte hain, kaun se decision hain jo affect karte hain capital budgeting decision ko. तो पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर तो इंक्रीज होगा इन्वेस्ट करने से तो हम इन्वेस्ट करेंगे, दो हिस्सों में बांट दिया ना कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर तो इंक्रीज होगा कैश फ्लो फिर तो इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं करना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हाई है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लो है तो नहीं करना चाहिए,
इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? नॉट लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड, ना लेंथी होना चाहिए ना कॉम्प्लिकेट होना चाहिए, फिर तो इन्वेस्ट करेंगे, और अगर लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है फिर उसको इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है जी, तो गाइज इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये सिंपल सा टॉपिक समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।